जय हिंद दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कॉमन एरर्स। क्या होता है कॉमन एरर्स, क्या काम करते हैं हम लोग कॉमन एरर्स में, क्यों जरूरी होता है कॉमन एरर्स, मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम है। कॉमन एरर्स ग्रामर में जानना सीखना बहुत जरूरी है। यदि आप कॉमन एरर्स जान लें, इसका मतलब कि आपका जो कदम है, आपका जो पूरा सिस्टम है, वो ग्रामर के इर्द गिर्द है और आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि कौन सा सेंटेंस कहां गलत है। अब आप सोचिए कि यदि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं और आप गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, यदि ग्रामेटिकली आप बिल्कुल रॉन्ग बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू लीव अ बैड इंपैक्ट ऑन अदर्स। यह जो है कि बहुत ही बुरा प्रभाव डालेगा और निश्चित रूप से लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। दे विल मेक फन ऑफ यू इफ यू स्पीक इनकरेक्ट इंग्लिश, अगर आप गलत इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आपको कॉमन एरर्स नहीं आता है, यदि आपको एरर डिटेक्ट करना नहीं आता है, तो क्या होगा, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा वो एग्जाम को पास करना। यदि आप 10th 9th के स्टूडेंट्स हैं और आपको एरर डिटेक्ट करना नहीं आता है, आपको नहीं मालूम है कि कहां क्या गलती है, कहां क्या सही है, तो निश्चित रूप से आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये पार्ट 3 है, कॉमन एरर पार्ट 3। ये जो आप देख रहे हैं कॉमन एरर्स पार्ट 3 है, मैंने दो पार्ट्स और पढ़ाए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों पार्ट का लिंक डाल दूंगा। अब आप यहां पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूं। कहता है सी इज कॉम्पेरेटिवली बेटर टूडे, सी इज कॉम्पेरेटिवली बेटर टूडे। ये सारे के सारे सेंटेंसेस गलत हैं, आपको सही करने हैं। सी इज कॉम्पेरेटिवली बेटर टूडे, ये बिल्कुल गलत है। सही क्या होगा, थोड़ा सा आप दिमाग पे बल डालिए कि सही क्या होगा। आपको ये चीज समझना है, अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा ही। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप बिल्कुल मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, आप बिल्कुल आप आइए। तो सी इज कॉम्पेरेटिवली बेटर टूडे, तो मैं इसका उत्तर बताऊं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग शेयर कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि ये जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। इसमें जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताना है, जो एक्सप्लेनेशन मुझे देना है, बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा होने वाला है सारा कुछ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सी इज कॉम्पेरेटिवली बेटर टू दे बिल्कुल गलत है। याद रखिए कि कोई भी है ना डबल कॉम्पेरेटिव नहीं होता है, ये डबल कॉम्पेरेटिव हो गया। तो डबल कॉम्पेरेटिव किसी भी सेंटेंस में हम नहीं लिखते हैं, इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो कि सी इज कॉम्पेरेटिवली गुड टूडे हो सकता है, गुड गुड हम लिख सकते हैं, यानी यहां पे पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म आएगा, सी इज कॉम्पेरेटिवली गुड टूडे हो सकता है। और या तो हो सकता है सी इज बेटर टूडे हो सकता है, यानी फिर हम कॉम्पेरेटिवली नहीं देंगे, कॉम्पेरेटिवली बिल्कुल हम नहीं देंगे। या हम लिख सकते हैं सी इज बेटर टूडे, हम लिख सकते हैं, कॉम्पेरेटिवली देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यदि हम कॉम्पेरेटिवली दे ही, तब हम क्या करेंगे, सी इज कॉम्पेरेटिवली गुड टूडे, ये उसका उत्तर होगा। चलिए अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्या है, माय फादर नोज टू ड्राइव द कार। आपको इसमें एरर को डिटेक्ट करना है, एरर को पता लगाना है, कहां पे एरर है इसमें। मैंने फिर से मैं आपको कह देना चाहता हूं, माय फादर नोज टू ड्राइव द कार, ये माय फादर नोज टू ड्राइव द कार का मतलब कि मेरे पिताजी कार चलाना जानते हैं। देखिए ये इसमें जो एरर है, ये हमेशा एक बात याद रखिए कि ये नो जो है ना, नो कोई भी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का मतलब यहां पे ये तो टू है जो कि नहीं लेता है, यानी ये इंफिनिटिव फॉर्म नहीं लेता है। नो जो होता है वो प्लस टू प्लस वी वन के फॉर्म में नहीं होता है, यानी नो के बाद टू और प्लस वी वन, ये जो स्ट्रक्चर है ये कभी भी नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाउ टू का प्रयोग करना पड़ता है, यानी जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा वो होगा माय फादर नोज हाउ टू ड्राइव द कार, माय फादर नोज हाउ टू ड्राइव द कार, माने हाउ टू यानी कोई काम कैसे किया था मेरे पिताजी जानते हैं। जैसे मैं कहूं कि आई नो हाउ टू मेक टी, मुझे चाय बनाना आता है, आई नो हाउ टू मेक टी, समझ में आ रहा था, नो हाउ टू, यानी यहां पे माई फादर नोस, नोस के बाद हाउ आएगा तब टू ड्राइव द कार आएगा, यानी डायरेक्ट ऐसे हम नहीं लिख सकते कि माई फादर नोस टू ड्राइव द कार, समझ में आ रहा है, यानी नो के बाद टू प्लस वी वन बिल्कुल नहीं आता है,
है इसमें, हाउ आएगा उसके बाद ही कुछ आएगा। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा कि क्या हो सकता है। ऑल माई फ्रेंड्स विजिटेड टू गोवा लास्ट वीक, आपको फिर से मैं पढ़कर सुनाता हूं, क्वेश्चन है ऑल माई फ्रेंड्स विजिटेड टू गोवा लास्ट वीक, यानी लास्ट वीक मेरे दोस्त लोग जो है कि गोवा को विजिट किए, गोवा गए, है ना। तो क्या गलत हो सकता है, देखिए ऑल माई फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, विजिटेड भी सेकेंड फॉर्म है, लास्ट वीक है, सब कुछ सही है। तो गलत क्या है, हमेशा याद रखिए कि गो के बाद प्रीपोजिशन टू आता है, विजिटेड विजिट के बाद जो है, विजिट जो वर्ड है विजिट के बाद टू जो है प्रीपोजिशन नहीं आता है, ये टू जो है ना, टू जो है कि प्रीपोजिशन नहीं आएगा विजिट के बाद, यानी विजिट के बाद टू प्रीपोजिशन नहीं आएगा, इसमें यह गलती है। चलिए दोस्तों अब मैं आ गया हूं चौथे क्वेश्चन की तरफ, क्या हो सकता है चौथा क्वेश्चन, आप थोड़ा सा इस बार मैं नहीं बताने वाला हूं, इस बार आपको खुद बनाना है, आप दिमाग पे बल डालिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचिए। कहता है वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन देम, वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन देम, और एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब आप लोग इसे कर लेंगे पूरा, तो आप लोग अपने आप की अंग्रेजी चेक करेंगे और स्कोर कितना आपने किया ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि कितना आपने स्कोर किया है। देखिए मेरा इरादा क्या है, व्हाट इज माय इंटेंशन, लेट मी मेक इट क्लियर टू यू, मुझे आपको बताने दो क्या है मेरा इरादा। मेरा इरादा है आपको बहुत ही सफल बनाने का, बहुत सक्सेसफुल बनाने का, बहुत ज्यादा आपको कॉम्पिटेंट बनाने का इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन मिले आप यूं पटापट बना करके रख दें। तो यहां पे आप देखिए वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन देम, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सब कुछ तो सही लग रहा है, इसमें गलत तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें ऑन गलत है। हमेशा याद रखिएगा कि ट्रस्ट जो है प्रीपोजिशन ऑन नहीं लेता है, जो प्रीपोजिशन ऑन यहां पे आप देख रहे हैं ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट टेक्स नो प्रीपोजिशन, ये कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, यानी वी कैन नॉट ट्रस्ट देम होगा, है ना, ऑन यहां पे नहीं होगा। चलिए अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमने लिखा है आई रिक्वेस्ट यू, यानी यहां पे जो है कि वो प्रेपोजिशनल मिस्टेक है और इसमें भी प्रेपोजिशनल मिस्टेक है, यानी गलतियां किसी भी तरीके की हो सकती है और आपको जो है कि डिटेक्ट करना है कि किस तरीके से, मतलब ग्रामर आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, और ग्रामर कैसे अच्छी होगी, ग्रामर बिल्कुल ऐसे ही करने से अच्छी होगी, कोई और तरीका नहीं है ग्रामर अच्छा करने का, बस इसी तरीके से क्वेश्चंस वगैरह आप बनाते जाएं, अपने आप को चेक करते जाएं, तो खुद ब खुद आपको लगेगा कि नहीं वाकई आपको आ रहा है चीजें। अब कहता है कि आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन मी केयरफुली, ये एक गलत है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं, आप उसको फाइंड आउट करें कि क्या मैंने गलत लिखा है, क्या इसमें एरर है। फिर से मैं पढ़कर सुना रहा हूं, आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन मी केयरफुली, आप सोच कर देखिए कि क्या इसमें गलत हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए 5 तक मैंने गिना, 5 तक में अगर आपने उत्तर आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं। देखिए आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन टू मी, हमेशा एक बात याद रखिए, यहां पे क्या आएगा, टू आएगा, है ना, यहां पे टू आएगा, मैं आपको बता रहा हूं लिसन जो वर्ड है, लिसन वर्ड अपने अकेले नहीं आता है, हमेशा ये प्रेपोजिशन टू के साथ आएगा, जैसे लिसन टू मी, है ना, लिसन टू हिम, है ना, लिसन टू आएगा, जब टू के बाद कुछ आना रहेगा ना तो वो टू लेकर के आएगा, है ना, ऐसा नहीं है कि लिसन मी लिसन यू, ऐसा नहीं चलता, लिसन टू मी लिसन टू हिम इस तरीके से, यानी यहां पे लिसन जो है कि बिना प्रीपोजिशन टू के नहीं हो सकता है, यानी आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन टू मी केयरफुली। अगला है कि आई एम बोर्न इन इंडिया, सोचिए जरा, आई एम बोर्न इन इंडिया, आई एम बोर्न इन इंडिया, क्या गलत आपको लग रहा है इसमें, है? आपको कुछ गलतियां दिखाई पड़ रही हैं? देखिए जी मुझे नहीं मालूम कि आपको दिखाई पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, मैंने लिखा है तो मेरे को मालूम है, है ना, ये क्या गलत है मेरे को मालूम है, इसलिए मैं नहीं ऐसा कह रहा हूं, मैं इसका आपको बिल्कुल एक लॉजिक दूंगा। आई एम बॉर्न इन इंडिया, हमेशा एक बात याद रखिए, जब आप बॉर्न होते हैं या कोई भी बॉर्न होता है तो इज आर एम में ये चीजें नहीं लिखी जाती हैं, ये हमेशा वज में लिखी जाती है, मैं पहले भी अलग अलग क्लासेज में मैं बता चुका हूं, यानी कभी भी आई एम बॉर्न नहीं होगा, यू आर बॉर्न नहीं होगा, हमेशा ये पास्ट में लिखा जाएगा, आई वॉज बॉर्न होगा, यू वर बॉर्न होगा, पंडित नेहरू वॉज बॉर्न, गांधी वॉज बॉर्न, इस तरीके से देवर बॉर्न, यानी बजवर का ही प्रयोग होगा।
तो यहां पे आई वॉज बॉर्न होगा, ये एकदम दिमाग में रख दे के अभी जो अगले महीने में सब बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह आने हैं, अब आपको एकदम जो है पूरी चीजें जो है आपको एकदम लग जाना है जो है, ठीक है ना। आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपका लेवल क्या है। तो आई वॉज बॉर्न इन इंडिया। अब हम आ गए हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ, क्या हो सकता है सातवां क्वेश्चन में, आप बिल्कुल देखिए। मैंने सुभाष चंद्र बोस, ये क्या लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस है ना, ये है बोस लिखा हुआ, सुभाष चंद्र बोस, लाइए फिर से मैं लिख दे रहा हूं, है ना, सुभाष चंद्र बोस है ना, सुभाष चंद्र बोस वॉज ग्रेटर देन ऑल अदर लीडर ऑफ हिज टाइम्स, यानी अपने जमाने के जो सुभाष चंद्र बोस थे है ना, वो ग्रेटर देन ऑल अदर लीडर, सारे लीडरों माने जो थे उन सबसे वो टॉलर थे, ग्रेटर थे। अब यहां पे क्या गलतियां हैं, थोड़ा सोच के देखिए, सेंटेंस बड़ा है तो ऐसे में ज्यादा और कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लेकिन नहीं, कल के वीडियो में आप देखिए डिस्क्रिप्शन, आप पार्ट टू में शायद मैंने बताया है कॉमन एरर्स पार्ट टू में। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, कल मैंने वो जो रूल बताया उसके बारे में बता रहा हूं कि अगर ऑल अदर रहता है, देखिए मैं बिल्कुल एरर को ही बता रहा हूं कि ऑल अदर के बाद जो, देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ऑल अदर अगर है तो ऑल अदर के बाद नाउन जो होगा ना प्लूरल नाउन होगा, और अगर एनी अदर है, कल मैंने ये पढ़ाया है और दोबारा से मैंने इसे दे दिया है ना, इसके बाद जो है कि नाउन सिंगुलर नाउन होगा। तो ये आपको यहीं पे सीख लेना है, सिंगुलर नाउन होगा। अब आप यहां पे देखिए कि ऑल अदर है तो ऑल अदर के बाद नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो ये गलत है ना, यानी प्लूरल होना चाहिए, यानी यहां पे ऑल अदर लीडर्स हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत है, यहां पे ऑल अदर लीडर्स, यानी सुभाष चंद्र बोस वॉज ग्रेटर देन ऑल अदर लीडर्स ऑफ हिज टाइम्स, ये चीज होगा। और अगर एनी अदर रहता तो नाउन सिंगुलर हो जाता। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि आप ऑल अदर की जगह एनी अदर लिख दीजिए, और दूसरा ऑप्शन है कि उतना करने की जरूरत क्या, ऑल अदर लीडर लिखा हुआ है तो लीडर्स लिख दीजिए, लीडर्स कर दिएगा तो सही हो जाएगा। अब दोस्तों ये मैंने देखिए, ये जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई, ये जो तीन लगातार जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ये सॉरी फोर्थ ये सॉरी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों में प्रेपोजिशनल मिस्टेक्स थे, ठीक है, और ये कंपैरिजन का सेंटेंस है। अब है अनलेस, ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो है अनलेस आवर डिमांड्स आर नॉट एक्सेप्टेड वी शैल नॉट कॉल ऑफ द स्ट्राइक, ये जो है कि शर्त वाला वाक्य है, कंडीशनल सेंटेंसेस है। अनलेस आवर डिमांड्स, एक बात हमेशा याद रखिए, ये तो गलत है ही, तो आप पकड़िए कि गलत कहां है, अनलेस आवर डिमांड्स आर नॉट एक्सेप्टेड वी शैल नॉट कॉल ऑफ द स्ट्राइक। आप बिल्कुल पकड़ते रहिए, आप देखिए मैं पांच गिनूंगा भी आपके लिए, मैं चाहता हूं दरअसल कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस बना दें, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आप बना दें। और देखिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि ग्रामर से जुड़ करके रहिए, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, देन यू नीड टू फोकस ऑन ग्रामर, इफ यू आर गुड एट ग्रामर ऑफकोर्स एवरीथिंग इज ओके विद यू, तब सब कुछ अच्छा है आपके साथ, अगर ग्रामर में गड़बड़ है तो यार कुछ भी मिलना मुश्किल है। आप देखिए अनलेस आवर डिमांड्स आर नॉट एक्सेप्टेड, देखिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे ही मामला अनलेस का होता है ना, अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस वाले जो अनलेस से सेंटेंस जुड़ा होता है, दो चीज यहां पे हम आपको सिखाएंगे। अनलेस से जो सेंटेंस जुड़ा होता है, सबसे पहली बात की वो होता है उसमें नॉट नहीं होता है, उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ये एकदम नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो पहला गलती तो यहां पर यही चीजें हैं, यानी अनलेस आवर डिमांड्स आर एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है। एक बात तो ये होता है कि नॉट उसमें होता है, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है जब तक डॉट डॉट नहीं, यानी मैं आपको बता दूं कि जब तक और नहीं दोनों का मतलब मिल करके ही ये अनलेस का मतलब होता है, यानी जब तक और नहीं, जब दोनों वर्ड मिलता है ना, तभी वो अनलेस का निर्माण करता है, यानी अनलेस से केवल जब तक का बोध नहीं होता है, जब तक नहीं का बोध होता है, यानी इसका यहां से यहां तक का मतलब होता है। तो एक तो ये बात है, और अनलेस से जुड़ा हुआ वाक्य जो होता है वो प्रेजेंट इन डेफिनेट में होता है। अब देखिए तो ये प्रेजेंट इन डेफिनेट के पैसिव वॉइस है, अनलेस आवर डिमांड्स आर एक्सेप्टेड वी शैल नॉट कॉल ऑफ द स्ट्राइक, हम लोग स्ट्राइक को जो है कि कॉल ऑफ नहीं करेंगे, कॉल ऑफ मतलब समाप्त करना। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, ये भी कंडीशनल है। नाइन्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड
देन यू कैन नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड देन यू कैन नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स। क्या गलतियां कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को? देखिए कुछ दिमाग लड़ाइए, अपने दिमाग को ना, दिमाग के घोड़े को जो है ना लगाम देने की जरूरत नहीं है, दिमाग के घोड़े को थोड़ा सा ढीला छोड़ो, ठीक है, उसको विचरण करने दो, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, पूरा हार मार के बैठने की जरूरत नहीं है। देखो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड देन यू कैन नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स। कहां गलती है बताओ मेरे को, बताओ कहां गलती है, सोचो। देखो चलो मैं ही बता दे रहा हूं, देखो इसमें सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, बस एक जगह गलत है, ये देन। हमेशा याद रखना कि जो इफ क्लॉज होता है, इफ क्लॉज वाले सेंटेंस में देन का, यानी इफ क्लॉज की अगर बात हो रही है ना, तो वहां पे देन का जो प्रयोग होगा वो नहीं होगा। इफ क्लॉज वाले में, यानी जिसमें इफ जुड़ा हुआ रहेगा जिस सेंटेंस में, है ना, वो नहीं होगा, उसमें देन बिल्कुल नहीं होगा, देन बिल्कुल गलत है, ये बात दिमाग में तुम लोग बैठा लो। समझ में आ गया? अगला है दसवां, जो कि अंतिम है। क्या है पूरा मामला जरा समझना। कहता है ही इज नोन बाय मी, पैसिव का सेंटेंस है। पहले भी मैं इसके बारे में कभी चर्चा कर चुका हूं किसी दूसरे वीडियो वगैरह में या क्लास वगैरह में मैं पढ़ाया होऊंगा। ही इज नोन बाय मी, देखो ये पैसिव वॉइस है, हमेशा याद रखना, नोन कभी भी ना प्रीपोजिशन बाय नहीं लेता है, है ना, ये लेता है ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी हो जाएगा, है ना, नोन टू मी, ये टू का प्रयोग होगा न कि बाय का। तो अभी देखा आप लोगों ने कि 10 क्वेश्चंस मैंने बनाए, देखिए आप लोग इसे जो है ना बिल्कुल शेयर कीजिए, लोगों के बीच आप ले जाइए, और मुझे थोड़ा सा आप लोग इस तरीके से इनकरेज कर सकते हैं। ये आप लोगों को मैं ज़रूर कहूँगा कि आपके जो मुझ पर विश्वास हैं और आपके जो सपने जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो विश्वास जुड़े हुए हैं, मैं उसका कत्ल बिल्कुल नहीं करूँगा। आप लोग विश्वास करें और इसे खूब लोगों तक पहुँचाएँ। आज भर इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।